तो पहली चीज तो बताना चाह रही है कि मैं उनका जो हूँ साला हूँ और मैं उनके लिए आज जो है ट्रांसलेशन करने वाला हूँ. First thing I want to say is I have known the OBC Mahasabha people for as long as I've been living in India. तो पहली चीज कि ये जो है OBC महासभा को उतने टाइम से जानते हैं जितने टाइम से जो है यहाँ इंडिया में गए हुए हैं. My heart is so proud to see how far they have come and how much good they have done in their country. उनको बहुत ही जो है गर्व महसूस होता है कि ये लोग जो है इतना आगे आ चुके हैं, इतना आगे निकल चुके हैं. We pray for their success, we pray for their growth, the OBC Mahasabha. हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है वो सफलता मिलती जाए OBC महासभा को. 2 weeks ago, they were in Delhi with us, and we were protesting the story of an upper caste schoolmaster who beat a Dalit boy for drinking the water in the school. So, एक दो हफ्ते पहले ही जो है हम ये वो जो है उनके साथ में OBC महासभा के साथ में ही protest कर रहे थे जो दलित बच्चे की पीठ के एक मास्टर ने पीठ के हत्या कर दी थी उसके लिए. Today we've come here on the sad occasion of an upper caste raping an OBC girl. और आज हम इसके लिए खड़ा हुए हैं जो बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है ऊंची जाति के. I'm very sad to hear these stories. तो इनको बहुत दुख होता है ये सब सुन के. But I'm very excited to see the people like the OBC Mahasabha and others are standing up for the rights for the low the Dalit OBC people of India. पर इनको इस बात की खुशी होती है कि OBC महासभा के लोग आप जैसे लोग जो है सत्य के लिए खड़े होते हैं और इंसाफ के लिए खड़े होते हैं. I came to India because I read about Mahatma Jyotiba Phule and Dr. Ambedkar. मैं इंडिया इसलिए आया था क्योंकि मैंने जो है महात्मा ज्योतिबा फूले और अंबेडकर के बारे में पढ़ा था. And I came because I wanted to help do the work that they had been doing. और ये इंडिया इसलिए भी आया था कि ताकि वो जो काम महात्मा फूले और अंबेडकर जी कर रहे थे. खुद को खराब लगता है लेकिन आप जानते हैं जिस तरीके से पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए ये सरकार पीछे हट रही है न्याय देने से, क्यों दे रही है ये आपको समझना. आपने इस समाज ने इतने दिनों तक इन लोगों को सत्ता में बैठाया जिनकी चमड़ी मोटी हो गई. आप सबको मिलके इन्हें सत्ता से हटाना पड़ेगा. आपको अपने नेताओं को सत्ता में बैठाना होगा. आपको अपने नेता पहचानना होगा. आज पूरे जिले मातृदेश भर से आए सभी OBC SC ST के साथियों को, सभी नौजवान साथियों को मैं ये अनुरोध करता हूँ, ये अपील करता हूँ, मंच पर बैठे हमारे तमाम नेता, देश भर से आए तमाम संगठनों के हमारे पदाधिकारी, उन सबसे अनुरोध करता हूँ आने वाले समय में
ये जो हमारे यहाँ एक परंपरा थी मतदान की, मतदान करना बंद कर दीजिए, करना है तो अपने मत का उपयोग करिए, अपने तरक्की के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने भविष्य के लिए और आपस में समाज में भाईचारा पैदा करिए। जातिवाद पर काम नहीं चलेगा, आपको जमात पैदा करनी होगी। मैं अपने तरफ से, अपने संगठन की तरफ से इस आंदोलन में अपना सहयोग, अपना समर्थन ज्ञापित करता और जहां हमारी आवश्यकता होगी मैं अपने भाइयों से, संगठन के तमाम नेताओं से, प्रीतम भाई हो, धर्मेंद्र भाई हो, हमारे जीतन जी हो, तो बहन जी हो और हमारे देश के साथी हो, ड्रीम आर्मी के साथी हो, उन सबको कि हम और हमारा पूरा संगठन आपके साथ पूरे जिले में, प्रदेश में और पूरे देश में अन्याय के खिलाफ आपके साथ है। इन बातों के साथ हमारे और भी तमाम वक्ताओं को बोलना है, मैं उनको अपनी बात पूरी करते हुए जय हिंद, नमस्कार, जय भीम। शोषण और बलात्कार हुआ है उन साथियों को, शर्मा को फांसी की सजा जब तक नहीं होती ये तय, और यहाँ की पंक्ति का संगठन एसटी एसटी और ओबीसी शांति नहीं रहेगा साथियों। ये प्रशासन देती है और रोकती है, इस प्रशासन को कहता हूँ कि प्रशासन शांति बना रखे। हम तो वो देश के लोग हैं जो बैतूल की जेल में भी आंदोलन करके आए साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत है। और इस बात सरकार को कहता हूँ समस्त साथियों के माध्यम से कहता हूँ कि प्रदेश सरकार, कांग्रेस और बीजेपी सरकार 2023 सरकार का फेंकेंगे साथियों, करने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत है। इस मंत्र से कहता हूँ, इस महासभा के मंत्र से कहता हूँ और कसम खा कर जाता हूँ, इस बैंड को जहाँ तक न्याय नहीं मिलेगा हम वहां तक शांति नहीं रहेंगे, और बन के जो कातिल है उसको फांसी नहीं लगी तब तक हम शांति नहीं रहेंगे, और विधानसभा घेर के टिकाएंगे साथियों। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को कहता हूँ नवंबर तक, और शर्मा को नवंबर तक आदेश नहीं निकलता फांसी का, तो महासभा के मंच से कहता है कि विधानसभा घेरे की तैयारी जरूर रखना चाहिए, विधानसभा घेरने की ताकत भी रखता हूँ साथियों, करना है साथियों। और मैं इस मंच से कहता हूँ एसटी और एससी और ओबीसी जितने भी सामाजिक संगठन है हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और 2023 की राजनीति को उतार कर फेंक देंगे साथियों। और ये जय भीम का नारा, जय जवाहर का नारा और हमारे मूल राशि का नारा को बुलंदी के साथ 2023 में हमको अपना नारे के साथ करना पड़ेगा साथी। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भीम, जय मूल राशि साथियों। आपके साथ नहीं खड़ा, जो राजनीतिक तौर पर आपके साथ नहीं खड़ा, जो सामाजिक तौर पर आपके साथ नहीं खड़ा, आप भी यहाँ से प्रण लेकर के जाइएगा उसका राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार करके दिखाएंगे। मैं भी भीम आर्मी की तरफ से वादा करता हूँ, जब जब मध्य प्रदेश में एक एक घटना घटित होगी और मध्य प्रदेश के लोग आह्वान करेंगे तो पूरे देश का भीम आर्मी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की तरफ हमने इससे पहले भी ओबीसी आरक्षण पर भोपाल बंद किया था, पुलिस ने भड़काट ना दी, जेल में जा, कोई चिंता नहीं। हमने इससे पहले भी आर्टिकल 340 के तहत रखते हुए अन्याय अत्याचार के खिलाफ आइए सब लोग, देखो अन्याय अत्याचार के खिलाफ
आवाज उठाएं, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जबी 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 भाई आज अपने बात और मैं कहता हूँ लोगों से भी जो बलात्कारों के पक्ष में सवाल करते हैं, जो अन्यायों के पक्ष में सवाल करते हैं, वो भी सावधान हो जाए। याद है ये बहुत समाज एक हो रहा है और ये तुमको जवाब देगा, जवाब देगा भी। चलो रैली खत्म हो गई, सवाल हो खत्म हो गई। तुम माना करता पार्टी से रैली माना के उसकी अधिवासी का सरकार आज इस बच्ची के लिए। हाँ हाँ सभी लोग अपने जगह बैठ जाओ चाहिए, अरे मंच टूट जाएगा मंच। ओबीसी भारत का जिंदाबाद, जितने संख्या भारी की मर्यादा नहीं सुबह आप लोगों का कार्यक्रम है, आप लोग इसको बिगाड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। मेरा निवेदन है सिपाहियों से कि मंच की मर्यादा रखे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की वकील हमारी छोटी बहन सीमा जी को मंदिर करता हूँ, स्वागत किया जाए। सीमा जी स्वागत कर लेंगे आपका इस बुंदेलखंड की पावन धरा, और तब तक हमारी लिंगौर की नगरी में एक मोटी पटेल आपको चरणों में नमन करता है। आइए जी करके दिखाना है।